हेलो एवरीवन वेलकम टू माय ब्रेकफास्ट ब्लॉग तो आज मैं बना रही हूँ दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा फेमस मुंगलेट इसको बनाना बहुत ही आसान है घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही फटाफट से हेल्दी तो है ही ये साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में साथ में मैं बनाई हूँ धनिया की चटनी तीखी चटपटी सी बहुत ही फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं इसको घर में तो शुरू करते हैं बनाना तो यहाँ पर एक कटोरी का नाप या कप का नाप रख ले दाल के लिए सबसे पहले दाल भिगो लेंगे हम तो मैं एक कटोरी का नाप रखी हूँ और उसमें मूंग का दाल डाल दी हूँ थ्री बाई फोर्थ कप और जितना कम था उतना मैं उरद का दाल डाल दी हूँ इसमें तीन चार चम्मच उड़द का दाल डाली हूँ इसमें और इसको क्या करेंगे धो के अच्छे से और भिगो लेंगे इसको हमें तीन चार घंटे तक छोड़ देना है फूलने के लिए दाल को तीन चार घंटे बाद हम क्या करेंगे फूल जाएगा दाल तो इसको अच्छे से छान लेंगे इसमें पानी नहीं होना चाहिए अच्छे से हम छान लेंगे दाल को उड़द का दाल डालने से क्या होगा ना अच्छा इसमें फर्मेट होगा आपका नेचुरल फर्मेट हो जाएगा इसमें कुछ इश्ट वगैरह बहुत ज़्यादा सोडा बीडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए उड़द का दाल तीन चार चम्मच मैं डाली हूँ इसमें तो अब क्या करेंगे इसको हम छान लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम मिक्सी के जार में डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे बहुत बढ़िया पेस्ट हमें बना के तैयार करना है एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें इसका दाल का तो यहाँ पर मैं मिक्सी ले ली हूँ इसमें जार को सेट करके अच्छा सा पेस्ट हमें यहाँ पर तैयार करना है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको पीसना है हमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा तो इसीलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसता है अच्छा स्मूद पेस्ट बनाना है इसका हमें तभी ये अच्छा मुंगलेट बन के तैयार होगा तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पीसते रहेंगे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे इसको तो ये देखिए एकदम बढ़िया पेस्ट यहाँ पर बन चुका है और इसको क्या पीसने के बाद भी हम इसको दो तीन मिनट तक चला लेंगे ताकि इसमें ये थोड़ा सा जो हल्का हो जाए फ्लफी हो जाए पीसने के बाद भी हम चला लिए हैं दो तीन मिनट के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको हम हमारा जो पेस्ट है रेडी हो चुका है मूंगलेट का अब कुछ सब्ज़ी काट लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि हमें मूंगलेट में थोड़ी सब्जी भी चाहिए आप जितना सब्ज़ी डालना चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ले ली हूँ एक लाल वाला शिमला मिर्च था मेरे पास तो मैं वो ले ली हूँ और इसका बीज निकाल दूँगी अच्छे से इसका बीज नहीं डालना डालना है इसमें नहीं तो बीज ऊपर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और इसका बीज निकाल के अच्छे से हम काट लेंगे इसको पतले पतले स्लाइसेस में छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे हम इसको बहुत ही फटाफट से तैयार कर सकते हैं घर में अब बहुत ही आसान है इसको बनाना और खाने में तो लाजवाब है इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब आता है तो उसके बाद मैं हरा शिमला मिर्च ले ली हूँ इसको अभी बीज निकाल के छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे यहाँ पर मैं एक चुकंदर भी ले ली हूँ इसको छिल के अच्छे से इसका भी हम कट कर लेंगे चुकंदर का हम क्या करेंगे लंबे लंबे स्लाइसिस में कट करेंगे तो ये जो कलरफुल सब्ज़ियाँ डालते हैं ना अब बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है पहले हम आँखों से ही खाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं चुकंदर को लंबे लंबे पीसेस में कट कर ली हूँ तो इसी तरीके से हमें सब्ज़ियाँ को कट कर लेना है बहुत ही लाजवाब लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा एक बार ज़रूर से आप लोग बनाइएगा घर में इस तरीके से मुंगलेट बहुत ही आसान है बनाना तो यहाँ पर मैं कुछ सब्ज़ियाँ काट ली हूँ अभी कुछ काटना बाकी है तो इसको मैं एक तर, प्लेट में उठा के रख ली हूँ यहाँ पर तीन हरा मिर्च ले ली हूँ इसको भी लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे हरा मिर्च को भी अपने तीखा के अनुसार जितना आप खाना चाहे उतना यहाँ पर हरा मिर्च डाल सकते हैं जितना तीखा खाना पसंद करें धनिया पत्ता भी ज़रूरत पड़ेगी हमें तो थोड़ा धनिया पत्ता भी मैं काट ली हूँ अब क्या करेंगे अदरक भी हमें चाहिए यहाँ पे तो अदरक मैं ले ली हूँ एक छोटा टुकड़ा और इसको भी हम लंब लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे अदरक को भी तो इसी तरीके से हमें लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेना है हर चीज़ को यहाँ पर मैं एक प्याज ली हूँ इसको भी छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे प्याज भी हमें चाहिए एक छोटा सा गाजर ली हूँ इसको अच्छे से धो के छिल ली हूँ और इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे गाजर को भी तो हमारा सारा सब्जी कट चुका है यहाँ पे तो हम बना लेते हैं धनिया की चटनी तो धनिया की चटनी बनाने के लिए एक मुट्ठी धनिया था मेरे पास उसको अच्छे से धो के मिक्सी के जार में डाल दी हूँ दो हरा मिर्च डाली हूँ तीन चार कली लहसुन डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार नमक डालें थोड़ा काला नमक डाल दिए हैं थोड़ा सा ही स्वाद के लिए यहाँ पर दो तीन चम्मच फुटानी डाली हूँ जो कि भुना चना बाजार में आसानी से मिल जाता है प्याज डाली हूँ थोड़ा सा और एक नींबू पूरा निचोड़ देंगे इसमें अच्छा खटास आने के लिए तभी ये तीखी चटपटी धनिया की चटनी तैयार होगी और इसका हम पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा पेस्ट बना लिए हमने धनिया को भी चटनी को पीस लिए हैं तो तैयार हो चुका है हमारा धनिया की चटनी तीखी चटपटी सी यहाँ पर हमारा सब्जी भी कट चुका है सारा तो अब हम बेटर को लेके थोड़ा सा हमें फेंटना है इसको एक दो मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे यहाँ पर मैं घी को पिघला रही हूँ ये मुंगलेट जो है ना घी में ही बनता है चाहे बटर में बनता है या आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो अब क्या करेंगे जितना हमें बनाना है पहली बार में दो चम्मच ली हूँ मैं यहाँ पे मैं भर के इसमें खारा जीरा नमक हल्दी और एक ही पिंच मीठा सोडा डाली हूँ बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ एक ही चुटकी मीठा सोडा डाली हूँ और जो भी सब्जी आप काट के रखें सब डाल देंगे थोड़ा थोड़ा इसमें यहाँ पर मैं मटर भी ले ली हूँ थोड़ा सा उबाल के रख ली हूँ और वो भी डाल दी हूँ इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जितना हमें बनाना है एक बार में उतना ही हमें मिक्स करना है सब्जी क्योंकि सारा एक साथ मिक्स कर लेंगे तो इसमें से पानी रिलीज होगा और आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा तो इसीलिए जितना हमें बनाना है उतना में ही हमें सब्जियां मिक्स कर लेंगी उतना ही हमें सब्जी को मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैं सब्जी सारा मिक्स कर ली हूँ बैटर में गैस पर एक पैन रख दी हूँ उसमें घी डाल के अच्छे से फैला ली है अब सारा बैटर जो मिक्स करके रखे थे सब्ज़ियाँ वो डाल देंगे इसको अच्छे से फैला लेंगे इसी तरीके से हम फैला लेंगे पूरा अच्छे से पैन में तो ये देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से फैला दी हूँ अब क्या करेंगे इसके ऊपर हम जो आ, कुछ काट के रखे थे सब्ज़ियाँ वो डाल देंगे ये चुकंदर जो लंबे लंबे पीसेस में कट कर रखे थे वो डाल देंगे अदरक डाल देंगे लच्छे वाले हरा मिर्च डाल देंगे धनिया पत्ता डाल देंगे सब ऊपर से डाल देंगे बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में इस तरीके से बनाएंगे तो और बच्चे तो देखते ही बोलेंगे बस और बना दो बच्चे बड़े घर में जो भी हैं सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मूंगा दाल है तो हेल्दी तो है ही और इसमें सारा सब्जी हेल्दी वाले ही हैं तो आप इस तरीके से घर में बना सकते हैं तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सेकने के बाद पलट लेंगे तुरंत ना सेकें थोड़ा सेक जाने दें और गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखें बहुत ज़्यादा हाई ना रखें यहाँ पे। पलटने के बाद क्या करेंगे हम इसमें बीच में कट कर लेंगे थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेक से जाए अंदर तक ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे और इसको पलटते पलटते हम इसी तरीके से सेक लेंगे इस तरीके से कट लगाने से अंदर तक आपका जो मुंगलेट है वो सेक जाएगा पूरा अच्छे से तो ये देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से सेक ली हूँ अलट पलट के बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुंगलेट बना के तैयार कर सकते हैं घर में ही तो इसी तरीके से हमें सेक लेना है अलटते अलट पलटते हुए मुंगलेट को तो यहाँ पर मैं एक मूंगलेट बना के तैयार कर ली हूँ तो इसी तरीके से दूसरा मूंगलेट भी बना लेंगे हम पैन में फिर से दोबारा से घी लगा लेंगे थोड़ा और सेम तरीके से हम बेटर में सब्जियाँ मिक्स कर लेंगे नमक हल्दी जीरा जो भी आपको डालना है सब डाल के और उसके बाद हम पैन में रखेंगे बेटर को फैला लेंगे उसी तरीके से हम सब सब्ज़ियाँ ऊपर से डाल लेंगे कटे हुए क्योंकि कलरफुल देखने में इतना बढ़िया लाजवाब लगता है क्योंकि आँखों को जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ हम पहले आँखों से ही खाते हैं फिर वो से खाते हैं इसके बाद हम सारा सब्जी इसमें फैला लेंगे इसी तरीके से इसको भी सेक लेंगे तुरंत न पलटे इसको थोड़ा सा सेक जाने के बाद ही पलटेंगे हम गैस का फ्लेम एकदम मीडियम करके ही रखेंगे तो जो लोग आप नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही एक लाइक कर दीजिएगा कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगता है आप लोगों का मेरा वीडियो ज़रूर से बताइएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ज़रूर से कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचता रहे तो ये देखिए दूसरा मूंगलेट भी मैं यहाँ पर तैयार कर ली हूँ देखिए अंदर से कितना बढ़िया लाजवाब सुपर बन के तैयार हुआ है तो देखिए यहाँ पर मैं सारा मूंगलेट बना ली हूँ हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है तो सर्व कर लेते हैं हम लगा लेते हैं प्लेट तो ये देखिए हमारा जो मुंगलेट है बनके तैयार हो चुका है यहाँ पर साथ में मैं खट्टी मीठी इमली की चटनी भी रखी हूँ धनिया की चटनी रखी हूँ तीखी चटपटी सी तो फिर मिलते हैं किसी आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर